गाइस एक मैसेज आप सभी के लिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसको हर जगह पर जितना आप कर सकते हो घंटे दो घंटे मेहनत करके भी इसको शेयर करो। पूरे इंडिया में मैसेज शेयर होना चाहिए कि इंडिया में कोरोना वायरस आ चुका है। जिनको नहीं पता है क्या है, बता देता हूँ, चाइना में ये वायरस फैल चुका था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मतलब डेथ भी हुई, और ये वायरस ऐसा है जिसका कोई एंटीटोड नहीं है, साफ बोल रहा हूँ। और अब पिछले 10 दिनों से यही खतरा था कि इंडिया में ये वायरस ना आ जाए, बट अभी भी न्यूज़ आई है कि जयपुर में ये वायरस एक पेशेंट को रिपोर्ट किया गया है कि कोरोना वायरस से वो सफ़र कर रहा है। यानी कि आप समझ लो आपकी बहुत ही खतरनाक वायरस है, और इसका सोल्यूशन क्या है बताए तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये मैसेज सभी के साथ शेयर करना है कि कोरोना अगर तुम ये वीडियो देख ली तो तुम लोग लकी, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि एक वायरस है जिसका नाम है कोरोनो वायरस, वो अभी इंडिया में आ चुका है। अरे एक मिनट रुक जाओ यार, तो और ये जो वायरस है ना भाई, इस वायरस का कोई एंटीडोट नहीं है। अगर हमारे इस दुनिया में इस वक्त 20 सेंचुरी में अगर कोई महापुरुष बोधि धर्म जैसे महापुरुष होते ना, तो भाई इस वायरस का भी एंटीडोट बन जाता, लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ सपनों में हो सकता है अब। लेकिन इस वायरस का अभी तक कोई एंटीडोट नहीं बना, हो सकता है आगे बन जाए, लेकिन अभी तक तो इस वायरस का कोई एंटीडोट नहीं है। और एंटीडोट तो छोड़ो, इस वायरस की किसी को पड़ी भी नहीं है, मतलब लोग तो ये समझ रहे हैं कि भाई कोई फेक न्यूज़ दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक रियल न्यूज़ है, रियल न्यूज़। एक्चुअली ये जो कोरोना वायरस है ये चाइना में बनाया गया था, और चाइना में इसका बेसिकली चाइना में जितने भी लोग थे आधे से ज़्यादा चाइना की पॉपुलेशन खराब हो चुकी है, आधे से ज़्यादा चाइना की पॉपुलेशन हो गई ख़त्म है बस। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर तुम लोग अगर मतलब, और ये जो कोरोना वायरस है ना, मतलब मैं ऐसे अटक अटक के बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं हड़बड़ा रहा हूँ बार बार, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोरोना वायरस कैसे पता लगा ये तुम्हें जानना है, तो तुम लोग जो लिक्विड चीज़ें होती है ना, लिक्विड चीज़ें लाइक, अरे पानी नहीं भाई, पानी सेफरेट का होता है, पानी में नहीं होता, पानी के अलावा जैसे कि और कोल्ड ड्रिंक, ऑयल और मिल्क, टी, ओबियसली टी भी मिल्क से बनती है तो वो भी शामिल हो गई, और बहुत सारी चीज़ें मतलब जैसे कि ऑयल, हाँ बहुत से ऑयल। अब ये चीज़ इंडिया में तो आई है, और इंडिया में कहाँ कहाँ आई है ये भी देख लो। इंडिया में ये दिल्ली में आ चुकी है, मुंबई में आ चुकी है, श्रीलंका में आ चुकी है, और राजस्थान में भी आने वाली है जल्दी। भाई इतनी फैल हुई है ना ये अभी कि मुझे तो लग रहा है जल्द ही राजस्थान में आने वाली है, बस जल्द ही, बहुत जल्द। और तो और एक और बात, ये जो वायरस है ना, इस वायरस का एंटीडोट मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, बस अभी नहीं बना है, अभी रिसर्च चल रही है, ठीक है। और अगर तुम्हें इस वायरस से बचना है तो लिक्विड चीज़ें थोड़ी अवॉइड करो, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, मैंगो, और ये फ्रूट्स में भी आ रही है, ये फ्रूट्स में भी आ रही है, सतर्क रहो, फ्रूट्स में भी आ रही है, क्योंकि ये चीज़ अगर इसी फ्रूट में भी आ रही है तो ओबियसली यार ये कोई भयंकर चीज़ ही है। और फ्रूट्स में यार तुम लोग समझ सकते हो यार, तुम लोग अब इतने तो बुड्ढू हैं, उन्हें इतना समझाने की तुम्हें ज़रूरत है नहीं, ठीक है, है ना, इतना तो समझाने की तुम्हें ज़रूरत है नहीं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग बुड्ढू मत बनो, और बस हिसाब से चलो, ठीक है, बुड्ढू मत बनो, है ना, कि भाई कोई फेक बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोग जान सके, भले तुम लाइक करो, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम लाइक करो ना करो, पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोग समझ सके कि हाँ भाई, हाँ एक वायरस आया है, वो जल्दी राजस्थान में भी आने वाला है। और लिक्विड चीज़ें अवॉइड करो, कॉफ़ी टी मिल्क और फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब। पहली बात तो पानी में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि पानी सेपरेट का होता है ना, हाँ मैं थोड़ा हड़बड़ा रहा हूँ, पर पानी सेपरेट का होता है, जैसे उसमें नहीं आती। और जो फ्रूटी ये सब होते हैं इनमें थोड़े से केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जो भले हानिकारक ना हो पर केमिकल्स मिलाए जाते हैं, और इस वजह से वो वायरस उनको जल्दी पकड़ रहा है ना। पानी में इतने चांसेस नहीं है जितने कोल्ड ड्रिंक इनमें है, क्योंकि इनमें वो जल्दी पकड़ रहा है वो कोरोना वायरस।
और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो गूगल पे जाके सर्च कर लो, और अगर गूगल पे भी विश्वास नहीं है तो न्यूज़ देख लो, अगर न्यूज़ पे भी विश्वास नहीं है तो अपना भैरंद बाबा ऊपर कर लो। अब देखो ये जो मैंने अभी वीडियो दिखाई थी, इस वीडियो पे पहले मेरे को भी भरोसा नहीं था, पर जब मैंने यही चीज़ न्यूज़ में देखी जब तो मेरा रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए इसे मजाक में मत लो, ये एक सीरियस मैटर है और इस मैटर को सीरियस होना चाहिए, ठीक है? कुछ सीरियस बनो और चौकन्ना रहो, क्योंकि ये एक ही बार में जान ले सकता है। मैंने जैसा कि कहा, इसका कोई एंटी तो नहीं है, तो अगर तुमने कुछ कर लिया और मान लो अगर तुम्हारे पास हो भी गया कि हाँ तुम हो है, और तुम डॉक्टर के पास ले जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि तुम सही टाइम पे क्यों ना लेके चल जाओ, लेकिन डॉक्टर यही बोलेगा कि इसका इलाज नहीं है, क्योंकि इसका इलाज नहीं है। भले हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले पर इसका इलाज नहीं है। हम भले कितना भी कुछ रोंगटे खड़ा, कितना भी अपना भैरंद बाबा ऊपर कर ले, कुछ ना हो ना। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो, और अगर पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई प्लीज़, इंस्टाग्राम फेसबुक है ना, ताकि लोगों को भी पता चले मैं भी एक पब्लिक हूँ और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। इन दोनों के नाते मैं भी इसे करूँगा, और यही वाली वीडियो नहीं हर वीडियो करूँगा। हो सकता है कुछ लोग वीडियो ना देखें ये वाली, पर बाकी तो देखेंगे। हाँ, और अगर तुम लोग किसी ग्रुप से जुड़े हुए तो अपने ग्रुप में सेंड करो, ताकि भले फिर वो व्हाट्सअप का हो फेसबुक का हो, पर लोगों को पता तो चले कि हाँ भाई कुछ वायरस है, कुछ हो रहा है उस वायरस से। इसलिए तो अभी के लिए तो बस इतना ही, और चौकन्ना रहिए, सावधान रहिए, और क्या, और हम भी यही चाहते हैं कि आप चौकन्ना सावधान रहे, है ना, ठीक है? अभी के लिए गुड बाय, और इस चीज़ को कभी हल्के में मत लेना, गुड बाय, ओके, गुड बाय, गुड बाय। एक मिनट, अरे यार अभी और भी बाकी है, अभी तो सिम्टम्स भी बाकी है। अरे सिम्टम्स ये है कि मतलब जो कोरोना वायरस है उसके सिम्टम्स, मतलब लक्षण क्या है? हेलो, थोड़ा धीरे। अब उसके लक्षण ये है, मतलब सिम्टम्स ये है कि बेसिकली जब भी आपके खांसी हो, या फिर गले में खराश, या फिर बुखार, या फिर अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती हो, नाक से पानी बहता रहता हो, तो मतलब ये लक्षण है उसके। और सांस लेने में अगर कभी कभार भी होता हो तो उसको अवॉइड मत करो, ठीक है? भले कभी कभार ही होता हो पर अवॉइड मत करो, ठीक है ना? और यही बात कि उससे बचे कैसे, तो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक तो अवॉइड करना ही है, साथ में पब्लिक प्लेसेस में भी नहीं जाना है। जी हाँ यार, और अगर आपके परिवार में या फिर कहीं पे भी कोई बीमार व्यक्ति रहता है तो उससे दूरी बनाए रखो। ऐसा नहीं है कि उसके साथ रहना, मतलब रहना बंद कर तो ऐसा नहीं, पर थोड़ा दूर ही रहो, ज़्यादा पास मत रहो जब तक उसकी बीमारी दूर नहीं हो जाती, ठीक है? और ड्रिंक और मतलब क्या कोल्ड ड्रिंक तो अवॉइड करना ही है, फ्रूटी रूटी तो। और आप कोई भी चीज़, मतलब भले आप स्कूल में हो, या फिर खाना खाने से पहले, या फिर खाना खाने के बाद, या फिर कोई भी काम करने जा रहे हो, हैंड वॉश रखना ज़रूरी है। अगर हाथ में सफाई नहीं होगी तो ओब्वियसली वैसे तो खाना या फिर हम कुछ भी करेंगे वो जाएगा ही सही, या फिर और बिना हैंड वॉश किए हुए कहीं पे भी हाथ, मतलब कान नाक या फिर मुँह, इन जगह पे हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि और अगर मान लो आपके कभी सीख आती है तो ऐसे हाथों से नहीं, यहाँ जो अपना शोल्डर क्या जो अपना हैंड होता है ना, जहाँ पे कवर रहता है अपना शर्ट टी शर्ट से, वो आपको लगाना है, हैंड नहीं लगाना, ठीक है? उससे भी फैल सकती है, हो सकता है वो हैंड में आ जाए, या फिर हैंड की जो गंदगी है वो आपकी नोज में या फिर मुंह में चली जाए, तो ऐसा नहीं करना है। और अगर आपके कभी खांसी आती है तो वो करना ही है आपको। और अगर आपको कभी लाइक समथिंग कुछ जैसे मैंने बताया था ना सिम्टम्स, अगर वैसा हो तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। इसे अवॉइड मत करो कि हाँ बस बुखार ही तो आ रहा है, यही तो हो रहा है, ऐसे अवॉइड मत करो, क्योंकि अभी क्या है, महामारी की तरफ फैल रहा है ये कोरोना वायरस ना, इसलिए ऐसा मत करो, और इन्हें अवॉइड मत करो, और इनका डॉक्टर को दिखाओ, भले गवर्नमेंट में दिखाओ, प्राइवेट में दिखाओ, पर दिखाओ, ये ज़रूरी है, ठीक है?
तो अभी के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक मत करो पर शेयर करो, और वो लोगों तक पहुँचाओ इस वीडियो को। मैं भी पहुँचा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो इस वीडियो को शेयर करना। अभी के लिए गुड बाय।